दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देखिए, मैंने अपनी वीडियो किस तरीके से वायरल किया है। आप लोग यहां पर देखो 4.1 लाख व्यूज आया है। उसके बाद देखो दूसरी वीडियो 83K व्यूज आया, यानी कि 83,000 व्यूज। उसके बाद देखिए तीसरी वीडियो 57,000 व्यूज। उसके बाद देखिए एक और वीडियो 29,000 व्यूज। तो जैसे आप नीचे आओगे तो मेरी देखिए वीडियो, ज्यादातर जो वीडियो है मैंने अपनी वीडियो को वायरल कर रखा है, इसी वजह से मेरा चैनल चल रहा है, इसी वजह से मेरा चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। और मोनेटाइज होने के बाद यहाँ पर मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आज 11 ही तारीख है, तो 11 तारीख यानी 11 दिन में मैंने यहाँ पर कितने डॉलर की अर्निंग कर रखी, देखिए 61.28 डॉलर की अर्निंग कर रखी है। और आपको पता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब आपको यूट्यूब पैसा देता है, कितने डॉलर पर, 100 डॉलर कंप्लीट हो जाने के बाद। और यहाँ पर देखिए 11 दिन में ही मैंने $61 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से मैं यूट्यूब से अर्निंग कर रहा हूँ। और क्यों अर्निंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो को वायरल कर रखा है, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग भी अपने जो है वीडियो को वायरल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, YT स्टूडियो में जाके सिर्फ एक काम को करना है। वो क्या काम करना है वो मैं आपको सारी चीज़ एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से अपनी वीडियो को वायरल करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कोई झूठी जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद ने अपनी वीडियो वायरल करी है, तभी मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए मेरी अगर आप लोग मोस्ट पॉपुलर वीडियो चेक करोगे तो देखिए 4 लाख व्यूज़ आया हुआ है। तो किस तरीके से आया, कौन सी ट्रिक मैंने लगाई है, मैंने वो कौन सा काम किया है, जो काम आप लोग कर लोगे तो आप लोग भी वीडियो को वायरल कर लोगे। और आपको पता ही है अगर आप लोगों ने एक वीडियो वायरल कर ली तो आप लोग की एक वीडियो से ही 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, वो भी गारंटी के साथ। कैसे कंप्लीट होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, इस वीडियो पर मैंने क्लिक किया और इस वीडियो का मैं आपको एनालिटिक दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग व्यूज चेक करो, कितना व्यूज है, 4 लाख के आसपास। तो इसका मैं आपको अगर वॉच टाइम दिखाऊं तो देखिए कितने घंटे का वॉच टाइम मिला है, 18.9K, यानी कि 18,900 घंटे का वॉच टाइम मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से। और आपको कितने घंटे चाहिए होता है, 4,000 घंटे अगर आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराना है तो यानी कि मैं इस वीडियो से 4 से 5 यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकता हूँ। और अभी रुकिए, आप लोग सब्सक्राइबर देखिए, यहाँ पर देखिए इस एक वीडियो से ही कितने सब्सक्राइबर मिले मुझे, 1100 सब्सक्राइबर, यानी कि 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे इस एक वीडियो से ही मिले। इसीलिए अगर आप लोग भी YouTube पर काम करते हो, YouTube पर आप लोग भी वीडियो बनाते हो तो आपको अपनी कोई ना कोई एक वीडियो वायरल करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी। जब तक आप लोग अपनी एक वीडियो वायरल नहीं करोगे तब तक ना तो आपका चैनल चलेगा और ना ही आपके चैनल पर सब्सक्राइबर आएंगे और ना ही आपके व्यूज़ आएंगे और ना ही आपका जो है चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग काफ़ी टाइम से काम करो, काफ़ी महीनों से काम करो, कुछ लोग तो सालों से काम करते हैं लेकिन फिर भी अपनी जो है वीडियो को वायरल नहीं कर पाते। क्यों नहीं वायरल कर पाते, क्योंकि उनको सही से जानकारी नहीं मिल पाती है, या वो लोग जिसको फॉलो करते हैं वो उनको सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप लोग भी अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। और आपको पता ही है कि आपकी जब तक वीडियो वायरल नहीं होगी तब तक आपका यूट्यूब चैनल नहीं ग्रो होगा। आप चाहे लिख के ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जब तक आप लोग की एक वीडियो वायरल नहीं होगी तब तक आप लोग का यूट्यूब चैनल कभी नहीं चल सकता। तो इसलिए अगर आप लोग वीडियो वायरल करना चाहते हो तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं आपको कोई झूठी जानकारी नहीं दे रहा हूँ, सारी चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद ने वीडियो को वायरल किया हुआ है। और यहाँ पर एक वीडियो नहीं, मेरी बहुत वीडियो वायरल है। यहाँ पर देखिए कितनी, ये देखिए एक वीडियो वायरल है 83,000 व्यूज, एक ये वीडियो वायरल है 57,000, एक ये वीडियो वायरल 29,000। जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो मेरी बहुत सारी वीडियो हजारों में है। तो इस तरह से आप लोग भी वायरल कर सकते हो। तो कैसे करना, चलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप लोग फालतू की वीडियो बहुत ध्यान से देखोगे लेकिन जो आपके मतलब की वीडियो होगी उसको आप लोग नहीं देखोगे। जो चीज़ आपको सिखाई जाएगी आपके फायदे के लिए वो आप नहीं देखोगे। तो इसीलिए अगर आप में से बहुत से लोग जो भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, आपके लिए एक एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरह से अपनी वीडियो वायरल करना है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने किस तरह से वायरल किया और वही चीज़ आपको भी लागू करना है। तो जैसे कि ये वाली मेरी जो है मोस्ट वायरल वीडियो है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। इस वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या चीज़ सुधारनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ को नोटिस करना, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ इसका, रियल टाइम में व्यूज़ देखो। अभी भी देखे रियल टाइम व्यूज़ कितना आ रहा है, 1821, और देखिए 60 मिनट में 36 व्यूज़, यानी कि रियल टाइम व्यूज़ देख रहे हैं 1800, यानी कि 150 से 2,500 व्यूज़ अभी भी आ रहा है इस पर।
तो इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर भी इसी वीडियो से बढ़ रहे हैं और इसी वीडियो से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और अर्निंग भी इसी वीडियो से बढ़ रही है। अब मैं आपको एक अर्निंग दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को और भरोसा हो जाए इस एक वीडियो की। चलिए मैं आपको अर्निंग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इस एक वीडियो की अर्निंग, जिससे आप लोग की आंखें खुल जाएं कि आखिर वीडियो वायरल कैसे किया जाता है, यूट्यूब पर काम कैसे किया जाता है, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाया जाता है। यहाँ पर देखो इस एक वीडियो की अर्निंग कितनी है, $114, यानी कि एक वीडियो से ही मैंने $100 क्रॉस कर लिया और इस एक वीडियो पर 400,000 व्यूज आया जिस पर मुझे $114 मिला है। तो आप लोग खुद आइडिया लगा लो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो कितना यूट्यूब से महीना कमाते हैं, लाखों कमाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप लोग यूट्यूब पर काम करना चाहते हो, सही तरीके से काम करना चाहते हो, तो वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आपको वीडियो वायरल करनी। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें प्रूफ दिखा दी जिससे आप लोग की आंखें खुल जाए, आपको सारी सच्चाई पता चल जाए कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सब चीज आपको रियल बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको अर्निंग भी दिखा दी। बहुत से लोग आपको अर्निंग नहीं दिखाएंगे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर यूट्यूब पर बैठे हैं जिनको आप फॉलो करते हो, जो मुझसे ही बड़े हैं, लेकिन कभी वो आपको अर्निंग दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। इसीलिए मैं आपको सारी चीजें सच्चाई के साथ बताता हूँ, कोई गलत जानकारी नहीं देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको काम क्या करना है, ठीक है, आपको क्या काम करना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए इस वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बना हुआ है, यानी कि ये जो मेरी वीडियो है इस पर ऑडियंस रिटेंशन बना है। कितना बना है, 2.45 मिनट का, यानी कि यहाँ पर देखिए 2.45 मिनट, यानी कि 22% का यहाँ पर ऑडियंस रिटेंशन बना है। तो अब ये ऑडियंस रिटेंशन क्या होता है, इसको आप लोग समझ लो। ऑडियंस रिटेंशन कहते हैं कि आप अपनी जो भी वीडियो बनाते हो उस वीडियो को लोग कितना देख रहे हैं, यानी कि जैसे आपने कोई 5 मिनट की वीडियो बनाई तो 5 मिनट की वीडियो को लोग कितनी देर तक देख रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑडियंस रिटेंशन। तो आपको अपनी वीडियो में सबसे पहला काम क्या करना है कि ऑडियंस रिटेंशन बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी वीडियो को एकदम अच्छे से अच्छा शूट करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा एडिट करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा बनाना पड़ेगा। आपको वीडियो में दम रखना पड़ेगा, वॉइस में दम रखनी पड़ेगी, आपको अपनी वीडियो की क्लैरिटी सुधारनी पड़ेगी जिससे जो है आपकी वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन बने। और जब आपकी वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन बनेगा उसके बाद क्या होगा, इधर देखिए आप लोग ध्यान से, उसके बाद जो है नीचे आप लोग आओगे तो यहां पर आपका जो है वीडियो में इंट्रो और टॉप मूवमेंट बनना चालू हो जाएगा। अब ये क्या चीज होती है, आपकी वीडियो को वायरल करने का सबसे बड़ा जो हाथ है वो इन्हीं दोनों का होता है। अगर आपकी वीडियो में ये इंट्रो और टॉप मूवमेंट बन गया तो आप लोग समझ लेना आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, 100% गारंटी के साथ वायरल हो जाएगी। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखिए इंट्रो, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोगों को कुछ पिंक कलर का ग्राफ दिख रहा होगा, देखिए इतना ग्राफ है, यहाँ पर देखिए इंट्रो बना हुआ है और टॉप मूवमेंट आप लोग देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ दिख रहा है, यानी कि टॉप मूवमेंट बना है। तो आपकी जो भी वीडियो अपलोड करो तो उसके आप लोग एनालिटिक में जाके ये चेक किया करो कि मेरी वीडियो में इंट्रो और टॉप मूवमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। जब ये आपकी वीडियो में नहीं बनेगा तो कैसा होगा मैं आपको दिखा, जैसे मैं स्पाइक इधर ये बगल में स्पाइक वाला सेक्शन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखिए नीचे दिस वीडियो डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट स्पाइक, यानी कि जब आप लोग इंट्रो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नीचे लिख के आ जाएगा इस तरीके से, दिस वीडियो डज नॉट हैव एनी इंट्रो। तो आप लोग समझ लेना आपकी वीडियो में इंट्रो नहीं बना है। लेकिन जब आप लोग ऐसे क्लिक करो और आपका ये जो है ग्राफ दिखने लगे और ये आपका ब्लैक हो जाए तो समझ लेना आपका इंट्रो और टॉप मूवमेंट बना है। तो आपको अपनी वीडियो में इंट्रो और टॉप मूवमेंट बनाना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे बनेगा, इसी की वजह से आपकी वीडियो वायरल होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी वीडियो में इंट्रो बना है और यहाँ पर नीचे देखिए ये आप लोग पढ़िए, 61% ऑफ व्यूअर आर स्टिल वॉचिंग एट अराउंड द 0:30 मार्क विच इज अबव टिपिकल, यानी कि मेरी जो ऑडियंस है वो 61% ऑडियंस जो है 0 से 30 सेकंड तक मेरी वीडियो को फुल वॉच कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी वीडियो का इंट्रो बना हुआ है और इसी की वजह से मेरी वीडियो बूस्ट हुई है और मेरी वीडियो वायरल हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको इंट्रो बनाना होगा, यानी कि आपको आप जो भी वीडियो अपलोड करो तो स्टार्टिंग का उसका 30 सेकंड आपको अच्छे से शूट करना है, अच्छे से एडिट करना है। यानी कि एग्जांपल के लिए जैसे अगर आप लोग व्लॉग बनाते हो तो व्लॉग में आपने पूरे वीडियो में जहां जहां मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज आपने जो दिखाई है उसको आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जोड़ते चले जाना, एडिट कर देना है, और 30 सेकंड तक आपको कुछ ऐसी सस्पेंस वाली चीज एडिट करनी है जिससे अगर आपकी वीडियो पर कोई भी क्लिक करे तो जैसे आपकी वीडियो देखे तो उसको मजा आए, यानी 30 सेकंड तक आपकी वीडियो पर रुके। यानी कि कुल मिलाकर कहना है कि आपको अपनी वीडियो में स्टार्टिंग के 30 सेकंड तक ऑडियंस को रोकना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी वीडियो में इंट्रो बनेगा और इंट्रो बनते ही आपकी वीडियो बूस्ट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा काम क्या करना, आपको टॉप मूवमेंट बनाना है। अब टॉप मूवमेंट वो चीज होती है कि आपने जैसे आपकी कोई वीडियो 10 मिनट की है तो
तो 10 मिनट आप लोग पूरी वीडियो तो मसालेदार बना नहीं सकते हो, मुझे पता है। पूरी वीडियो आप लोग एंटरटेनमेंट नहीं बना सकते हो, एंटरटेनिंग नहीं बना सकते हो, लेकिन आप लोग 1 से 2 मिनट तो आप लोग एंटरटेनमेंट बना सकते हो, यानी 2 मिनट तो आप लोग मसालेदार चीजें दिखा सकते हो अपनी वीडियो में। जैसे अगर आप लोग व्लॉग बनाते हो तो आपको 2 से 2.5 मिनट आपको अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिखानी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी होगी जहां पर आपकी वीडियो ज्यादा देखी जाए, यहाँ के यानी कि जहां पर ऑडियंस ज्यादा रुके, और वहां पर अगर ऑडियंस ज्यादा रुकेगी तो आपकी वीडियो में बनेगा टॉप मूवमेंट, और जब आपकी वीडियो में टॉप मूवमेंट बनने लगेगा तो जो है आपकी वीडियो वायरल होना चालू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहां पर देखिए, नाइस वर्क, दिस पार्ट ऑफ द वीडियो केप्ट योर व्यूअर वॉचिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, यानी कि इस पार्ट में, यानी जो ये ग्राफ बना, इस पार्ट को मेरी ऑडियंस ज्यादा ज्यादा देख रही, ज्यादा ज्यादा शेयर कर रही। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी 10 मिनट की वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी है, कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट ऐड करना है जिससे जहां पर जो है वीडियो के 10 सेकंड के चाहे 4 मिनट या 5 मिनट तक आपको कुछ ऐसी चीजें दिखानी है जिससे जो है आपकी ऑडियंस वहां तक रुके। और जब आपकी वीडियो में एक इंट्रो और टॉप मूवमेंट बन जाएगा, यानी कि ये दो चीज आपकी वीडियो में बनती नजर आ जाएगी, तब समझ लेना आपकी वीडियो 100% वायरल हो जाएगी। इसकी गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि यहां पर ये दोनों चीजें मेरी वीडियो में बनी है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो को मिला है ऑडियंस रिटेंशन, और ऑडियंस रिटेंशन बनते ही मेरी वीडियो यहां पर देखिए बूस्ट हो गई, और मेरी वीडियो पर 4 लाख व्यूज आ गए, और रियल टाइम में भी इस समय व्यूज आ रहे हैं। आप लोग देखिए रियल टाइम में व्यूज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैंने अपनी वीडियो में इंट्रो टॉप मूवमेंट को बनाया है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अगर आप लोग व्लॉग बनाते हो तो आपको क्या करना है, अपनी वीडियो की लेंथ ज्यादा से ज्यादा लंबी रखनी है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग सौरभ जोशी को देखते हो, तो उनकी वीडियो आप लोग कभी भी 8 मिनट से छोटी मिलेगी ही नहीं, हमेशा उनकी वीडियो 8 मिनट से लंबी ही रहती है। तो अगर आप लोग भी व्लॉग बनाते हो, किसी भी कैटेगरी में काम करते हो, तो आपको अपनी वीडियो को लंबी रखनी, बड़ी रखनी है, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है कि जितनी बड़ी आपकी वीडियो होगी उतनी जल्दी वायरल होगी। छोटी वीडियो कम वायरल होती है, और जितनी आप लोग लंबी वीडियो बनाओगे उतनी जल्दी वायरल होगी, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने का फायदा ये होता है कि लंबी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन जल्दी बनता है, और ये टॉप मूवमेंट और इंट्रो जल्दी बनता है। तो आपको अपनी वीडियो की लेंथ लंबी रखनी, क्योंकि यहाँ पर ये मेरी वीडियो की लेंथ आप लोग देख लो कितनी मिनट है, 12 मिनट 52 सेकंड है। तो आपको अपनी वीडियो की लेंथ लंबी लंबी रखनी, जिससे जो है आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बनेगा, और आपको अपनी वीडियो में स्टार्टिंग के 30 सेकंड तक ऑडियंस को रोक के रखना है। उसके बाद वीडियो के कहीं बीच में आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट तक कुछ सस्पेंस वाली चीज जरूर दिखानी है, जिससे आपकी वीडियो बूस्ट हो जाए, और बूस्ट होते ही आपकी वीडियो पर व्यूज आने लगेगा। और एक बार आपकी वीडियो वायरल हो गई तो उस एक वीडियो से ही आपके जो है 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और मोनेटाइज होने के बाद आप लोग यूट्यूब से अर्निंग भी चालू कर दोगे। जैसे यहाँ पर देखिए किस तरह से मेरी अर्निंग हुई है, तो इस तरह से आप लोग भी अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। किस तरह से करना है मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आप लोग जब भी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करो तो अपने YT स्टूडियो में जाकर वीडियो का एनालिटिक चेक करने के लिए यहां पर ये दो चीज जरूर चेक करना, और जब आपकी वीडियो में ये दो चीज ना बने तो आपको क्या सुधारना है, मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में आपको अच्छे से अच्छा 30 सेकंड रोक के रखना है, और आपको वीडियो के बीच में कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज करनी पड़ेगी। और इस तरह से आप लोग रेगुलर काम करो, देखना 4 से 5 वीडियो के बाद ही आपकी वीडियो निकल जाएगी, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। और आपको पता है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग भी YouTube पर लंबे टाइम तक काम करना चाहते हो तो आपको अपनी कोई ना कोई एक वीडियो वायरल करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी, तभी आपकी वीडियो जो है वायरल होगी, तभी आपका जो है YouTube चैनल मोनेटाइज होगा, तभी आपका YouTube चैनल चलेगा। अगर आपकी कोई वीडियो वायरल नहीं है तो आप लोग YouTube पर कुछ भी कर लो, आप लोग कभी भी अर्निंग नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने बड़े यूट्यूबर देख लो सबकी कोई ना कोई वीडियो वायरल है यूट्यूब पर। तो आपको अपनी वीडियो कैसे वायरल करनी मैंने आपको सारी चीज़ एकदम डिटेल में समझा दी। तो आज से ही आप लोग काम करना चालू कर दो। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप लोग को कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैसेज करो, आपकी मैं पूरी मदद करूँगा, ठीक है, कोई पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, इंस्टाग्राम पर शेयर करो, व्हाट्सअप पर शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे मेरी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे।